भाई हमारी गाड़ियों के अंदर फ्रंट के साथ साथ रियर सीट पे भी सीट बेल्ट का प्रोविजन होता है, लेकिन हम लोग उसको रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते और सिर्फ फ्रंट सीट पे बैठे हुए पैसेंजर से सीट बेल्ट लगाते हैं और रियर सीट पे बैठे हुए पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाते। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी एक प्रोविजन है जिसके अंदर फ्रंट के साथ साथ रियर सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिस में यूज नहीं करते और हम सिर्फ फ्रंट सीट बेल्ट लगाते हैं। और इनफैक्ट पुलिस भी इस चीज के लिए कोई चालान नहीं काटती और इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट सिर्फ फ्रंट पे बैठे हुए पैसेंजर्स को ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्रंट पे विंडशील्ड होती है और एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट फ्रंट पे बैठे हुए पैसेंजर्स को ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और रियर सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए जो फ्रंट सीट्स है वो एज अ प्रोटेक्शन का काम करती है। तो भाई अब अगर आप दिल्ली के अंदर ड्राइव करते हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मुहिम स्टार्ट की है जिसके अंदर फ्रंट सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के साथ साथ रियर सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स ने भी अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो इसका भी चालान काटेंगे। ऑल्दो ये चीज जो है हमारी सेफ्टी के लिए ही है, चालान काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए था, उसके लिए कुछ टाइम देना चाहिए था। इनफैक्ट उन्हें एक ड्राइव के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहिए था कि फ्रंट के साथ साथ रियर सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है और इसके ऊपर अगर वो नहीं पहनते तो उसके ऊपर चालानिंग हो सकती है। लेकिन एकदम से इमीडिएटली चालानिंग वाला स्टेप उठा लेना मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट